أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم قالوا وكائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا وكائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام दोस्तों बुजुर्ग और भाइयों, अल्लाह जल्ल जलालहु मन वालहू का एहसान करम है। अल्लाह ताला ने हम सबको दावत और तबलीग दीन की मुबारक और आली मेहनत की निस्बत पर थोड़ी देर के लिए जमा होने की तौफीक दी है। अल्लाह ताला अपने फजल से हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों और भाइयों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अल्लाह ताला ने छोटी सी जिंदगी दी है। इंसान बहुत लंबे सफर से दुनिया में आया है और आगे उसे बहुत लंबा सफर करना है। सबसे पहले अल्लाह जल्ल जलालहु मन वालहु ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से अपने हाथों से बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त से, पीठ से क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की रूहों को अल्लाह ताला ने पैदा करके एक मैदान में जमा किया, जिस मैदान को मैदान अलस्तु या आलम अलस्तु कहते हैं। हजरत आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले जितने इंसान हैं, तमाम इंसानों की रूहों को अल्लाह ने पैदा करके एक मैदान में जमा कर लिया। तो रूह के एतबार से इंसान सब के सब हम उम्र हैं, छोटे बड़े नहीं। यहां हम छोटे बड़े हैं ना, किसी की उम्र कम है, किसी की ज्यादा है। रूह के एतबार से सिर्फ हजरत आदम की रूह पहले हुई,
बाकी तमाम इंसानों की रूहों को अल्लाह ताला ने एक साथ पैदा किया। तो इंसान की रूह तो बहुत पहले है पैदा हो गई, उस रूह को अल्लाह ने आलमे अरवाह, रूहों का आलम, आलमे अरवाह रूहों के आलम में अल्लाह ने उन तमाम रूहों को स्टोर कर दिया, रिजर्व कर दिया, जखीरा कर दिया। फिर मेरा और आपका ये जिस्म जो है, इस जिस्म को अल्लाह जल्ल शानहू ने आलमे अशिया में फैला दिया, चीजों के आलम में, सूरज की गर्मी में, चांद के चांदने में, बारिश की बूंदों में, अनाज के दानों में, पानी में, खाने में, तरकारी में, फल फलारी में, इन सब चीजों के अंदर इंसान के इस जिस्म को अल्लाह ने फैला दिया। इंसान ने चीजों से फायदा उठाया, सूरज की गर्मी ली, चांद का चांदना लिया, बारिश में भीगा, पानी पिया, खाना खाया, तरकारी फल फलारी इस्तेमाल किया। तो फिर इंसान का ये जो आलम अशिया में था, उस आलम अशिया से इंसान का ये जिस्म बाप के सुल्ब में आया, बाप की पीठ में आया, पुश्त में, फिर वहां से मां के रहम में आया। मां के रहम में 9 महीने रहा, इक्का दुक्का 7 महीने भी रहे, बहरहाल 7 महीने या 9 महीने का वक्त पूरा करके दुनिया में आ गए, आगे पीछे आए। जब मां के रहम में इंसान का ये जिस्म नुतफा बनकर आया, तो उस नुतफे को, मनी के कतरे को अल्लाह जल्ल शानहू ने चंद दिनों के बाद उसको जमा हुआ खून बना दिया, फिर उस खून को गोश का लोथड़ा बनाया, फिर उस गोश के लोथड़े को हड्डियों का ढांचा बनाया, फिर उस हड्डियों के ढांचे पर गोश चढ़ाया, पोस्त चढ़ाया, चमड़ा लगाया, आंख नाक कान होंठ सब बना दिए। जब 4 महीने में इंसान का पूरा जिस्म बन गया, तो रूह, रूह कहां थी? आलम अरवाह में रूह थी। तो आलम अरवाह से रूह निकालकर इस जिस्म के साथ में अल्लाह ने जोड़ दिया, तो रूह का और जिस्म का रिश्ता हो गया। फिर इंसान दुनिया के अंदर आया, तो दुनिया में आने से पहले वो 4 आलम गुजर के आया है। कितने आलम? 4 आलम, आलम अरवा, आलम अशिया, आलम असलाब बाप की सुल्ब, बाप की पीठ, फिर आलम अरहा माँ के रहम। ये 4 आलम से गुजरता हुआ दुनिया में आया। अब दुनिया से आगे उसे और जाना है, दुनिया से आगे उसे और जाना है। दुनिया में जिस्म और रूह दोनों मिले हुए हैं। अब हम सब जिंदा है ना, जिंदा किसे कहते हैं? जिसके जिस्म में रूह है। मौत किसे कहते हैं? जिसके जिस्म से रूह का रिश्ता खत्म हो गया, जिसके जिस्म से रूह का रिश्ता खत्म हो जाए तो फिर उसको मुर्दा कहते हैं। तो जिस दिन हमारा जिस्म का रिश्ता रूह से खत्म हो जाएगा, तो उस दिन जिस्म को तो ले जाकर कब्र में दफना देंगे, और ये जो रूह है, ये रूह बरजख को चली जाएगी। जिस्म कब्र में जाएगा, रूह बरजख में जाएगी। बरजख क्या है? बरजख जो है वो वेटिंग हॉल है। बरजख क्या है? वेटिंग हॉल, इंतजार की जगह।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में जो लोग मर गए वो कहाँ हैं? वो सब के सब बरज़ख में हैं, वो सब के सब बरज़ख में हैं। कितने जमाने से हैं? हजारों साल से हैं, हजारों साल से बरज़ख में हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहां? इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने का इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने का इंतजार कर रहे हैं। तो जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूंकेंगे तो कयामत बरपा होगी, आसमान टूट के गिरेगा, जमीन फट जाएगी, सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी, चांद बेनूर हो जाएगा, सितारे टूट के गिरेंगे, समंदरों में आग लग जाएगी, जंगल के जानवर सरपट दीवानों की तरह से दौड़ेंगे, कयामत बरपा हो जाएगी जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूंकेंगे। सारी दुनिया, सारी कायनात, सबको मौत आ जाएगी। यहां तक के चार जो बड़े बड़े फरिश्ते हैं उनको भी मौत आएगी, हजरत जिब्राइल, हजरत इसराफील, हजरत मिकाइल, ये तीन मर जाएंगे तो फिर कौन बचेंगे? हजरत इजराइल। अल्लाह ताला पूछेंगे कौन बचे हैं तो कहेंगे मैं और आप हैं। आप तो जिंदा हैं, हमेशा के लिए हमेशा जिंदा रहेंगे, एक मखलूक में से मैं जिंदा हूं। तो हजरत हक जल्ल मजदूहू, अल्लाह जल्ल जलाल मन वालहू, हजरत इजराइल से कहेंगे कि मुत तुम भी मर जाओ, तो हजरत इजराइल भी मर जाएंगे। जब हजरत इजराइल भी खत्म हो जाएंगे तो पूरी दुनिया में कोई जिंदा नहीं। अल्लाह जल्ल शानहू सवाल करेंगे लिमनिल मुल्कुल योम, दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते थे कि मैं बादशाह हूँ, मैं नवाब हूँ, और मैं फुलां हूँ, मैं फुलां हूँ। तो अल्लाह ताला दिखाते हैं, पूछेंगे लिमनिल मुल्कुल योम, आज बोलो आज किसकी बादशाही है, आदिलशाही है? कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, आज तो कोई जिंदा ही नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक अकेले जबरदस्त ताकत वाले अल्लाह की हुकूमत है। फिर अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूंकेंगे। जब दोबारा सूर फूंकेंगे वह नुफिख फिस्सूर फइज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, जब दूसरी दफा सूर फूंकी जाएगी तो इंसान कब्रों से उठकर खड़ना शुरू होंगे। ये जो इंसान का जिस्म था कब्र में मिल गया, मिट्टी में मिल गया, कीड़ों ने मकोड़ों ने खा लिया, हशरातुल अर्ज़ ने खा लिया, चमड़ा खत्म, गोश खत्म, हड्डियां खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं बचा। लेकिन जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो वो रूह जो बरज़ख में थी, वो सिर्फ रूह थी, जिस्म नहीं था, तो अल्लाह ताला दोबारा जिस्म को जिंदा करके वो रूह और जिस्म दोबारा मिल जाएंगे। रूह कहां थी? बरज़ख में थी। बरज़ख क्या है? वेटिंग हॉल, इंतजार की जगह। वेटिंग हॉल कैसा होता है? जैसी टिकट वैसा वेटिंग हॉल। अगर फर्स्ट क्लास टिकट है तो वेटिंग हॉल भी कैसा रहेगा? फर्स्ट क्लास रहेगा। सेकंड क्लास टिकट है तो वेटिंग हॉल भी सेकंड क्लास रहेगा। थर्ड क्लास टिकट है तो फुटपाथ पे बैठ के इंतजार कर लेना, प्लेटफॉर्म पे बैठ के ही
इंतजार कर लेना, बैठने उठने की कोई जगह नहीं होती है नहीं। अरे रेलवे स्टेशन में देखे नहीं देखे, फर्स्ट क्लास वालों के लिए पाक साफ बेहतरीन जगह, एक घंटा इंतजार करना है तो भी वहां बैठ के इंतजार करे तो बेचैनी नहीं रहती, आराम से आदमी बैठता है, शोर शराबा नहीं, चीख पुकार नहीं, आने जाने वाले नहीं, गंदगी नहीं, नापाकी नहीं, पाक साफ अच्छा साफ सुथरा होता है और बैठ के इंतजार कर सकते हैं। सेकेंड क्लास होगा तो बैठने के तो लायक है लेकिन ज्यादा देर बैठने के लायक नहीं है, गंदगी भी, शोर भी, शराबा भी, चीख भी, पुकार भी, रोना भी, सब चलता रहता है। और थर्ड क्लास वेटिंग हॉल में बैठने की जगह नहीं, जहां बैठने ही जगह ना हो तो वहां इंतजार क्या हो जाता है और मुश्किल हो जाता है। तो बरजख भी ऐसा ही है, जो फर्स्ट क्लास टिकट लेके जाता है तो उसके लिए वहां फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल है, जो उसके दुनिया से जाने से लेकर हजरत इसराफील के सूर फूंकने तक उसका जो वेटिंग आवर है, वेटिंग टाइम है, इंतजार का जो वक्त है, वो कैसे लगेगा जैसे फजर से पहले की दो रकात सुन्नत है। मरने से लेकर हजरत इसराफील के सूर फूंकने तक का जो टाइम है वो टाइम उसे कैसे लगेगा जैसे फजर से पहले की दो रकात सुन्नत है। ये फर्स्ट क्लास टिकट है तो वहां वक्त क्या होता है, जल्दी पास हो जाते हैं, परेशानी नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो बरज़ख इंतजार की जगह है। किसका इंतजार? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने का इंतजार। जब हजरत इसराफील सूर फूंकेंगे तो फ़ैज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, सब के सब कब्र से उठकर खड़े हो जाएंगे। बरजख में जो रूह थी वो रूह मिल गई, इंसान जिस्म और रूह दोनों के साथ में फिर तैयार हो गया। अब क्या करेंगे जी? अब सब के सब हशर के मैदान में एक जगह जमा होंगे। वो हशर का मैदान हिसाब किताब की जगह है। हिसाब किसका लेना है? हजरत आदम से लेकर कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों की पूरी जिंदगी का हिसाब लेना है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जिंदगियां छोटी हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इक्का दुक्का 90, 100, 110, 120। पिछली जो उम्मतें थी उनकी 300, 400, 800, 1000, 1200। अब इतनी लंबी जिंदगी का हिसाब लेने के लिए वक्त भी तो लगेगा ना। हजार साल की जिंदगी का हिसाब लेने के लिए 1000 दिन तो हो ना कम से कम। एक आदमी की जिंदगी के हिसाब के लिए 1000 दिन बोले तो अब कितना वक्त होता है, हिसाब लगा सकते हैं जी। आज दुनिया में 700 अरब इंसान बसते हैं, आज दुनिया में 700 अरब इंसान बसते हैं, तो 700 अरब इंसानों के दिन, 700 अरब इंसानों की 60 साल जिंदगी के हिसाब के लिए कम से कम एक दिन रखें तो भी कितना हो गया, 700 अरब साल हो गए, तो कितना लंबा वक्त होना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ताला इन्नल्लाह लसरीउल हिसाब, अल्लाह बहुत तेज हिसाब लेते हैं, इसलिए 50,000 साल का एक दिन होगा। उस 50,000 साल के एक दिन में हजरत आदम से लेकर कयामत तक के तमाम इंसानों का हिसाब अल्लाह कर देंगे। सबसे पहले हिसाब होगा ईमान और कुफर का, अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होगा वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अफमन काना मुस्लिमन कमन काना फासिका। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया में तो मुस्लिम मुजरिम, दुनिया में तो मुस्लिम मुजरिम दोनों मिलकर थे,
यहां सब मिलकर है ना, सच्चा झूठा, वफादार बेवफा, हाँ, चोर पुलिस, अच्छा बुरा, सब मिले हुए हैं यहाँ, सब मिले हुए हैं यहाँ, कोई तफरीक नहीं है, अलग नहीं किए हैं। वहां सबसे पहले अल्लाह की तरफ से यही ऐलान होगा कि वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, कि मुस्लिम मुजरिम अलग हो जाओ, मुस्लिम और मुजरिम अलग हो जाओ, अलग कर देंगे अल्लाह तक। मुजरिम कौन? जिसने कुफर किया अल्लाह के साथ में, शिर्क किया, वो अलग हो गए, उनके लिए जहन्नम। और जो मुस्लिम है फिर उसका हिसाब किताब होगा, ईमान कितना था, नमाजें कितनी थी। अव्वल मा युहासब बिहि अल-अब्दु यौमल क़ियामति अस-सलाह, सबसे पहली चीज जिसका हिसाब किताब होगा वो नमाज होगी, मामलात का हिसाब होगा, जिंदगी का हिसाब होगा, अखलाक का हिसाब होगा, ये सारा हिसाब किताब चलेगा। कितने साल तक? 50,000 साल का एक दिन। हिसाब का दिन क्या होता है? एक दिन होता है, वो लंबा नहीं होता, लेकिन वो एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। फिर हिसाब के बाद फैसला होगा। फअम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिनका नेकियों का पलड़ा भारी हो गया वो कामयाब। वअम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु फउलाइकल लदीना खसिरू अनफुसहुम, जिनका नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया वो खसारे में चले गए। नेकियों का पलड़ा भारी होते ही ऐलान होगा, फरिश्ता ऐलान करेगा, सईदा फुलान इब्न फुलान इन सआदतन लायश्का बादहा अबदा, फुलान फुलान का बेटा कामयाब हो गया, अब फिर कभी नाकाम नहीं होगा। पलड़ा हल्का होते ही फरिश्ता ऐलान करेगा, शकिया फुलान इब्न फुलान इन शकान लायसादु बादहु अबदा, फुलां फुलां का बेटा फेल हो गया, नाकाम हो गया, ऐसा नाकाम हुआ कि एसएलसी में एक बार फेल हुआ तो क्या कर सकते हैं, दूसरी बार बैठ सकते हैं। ये वहां ऐलान होगा कि लायसादु बादहु अबदा, अब फिर कामयाबी, नेक्स्ट एग्जाम नहीं है, नो फर्दर अपीयरेंस, आगे फिर किसी जगह जाके एग्जाम में बैठ के कामयाब नहीं हो सकता, खत्म। फिर लोग जन्नत की तरफ जाएंगे, जन्नत के ऊपर, जन्नत के सामने जहन्नम का गढ़ा है, जन्नत के सामने जहन्नम का गढ़ा है, उस जहन्नम के गढ़े पर अल्लाह ताला ने एक पुल बिछाई है, उस पुल को क्या कहते हैं? पुल सिरात है। वो पुल सिरात कैसा है? अहद्दु मिन सैफी अदक्कु मिन शार, वो बाल से बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है, उसके ऊपर से चलकर तो नहीं गुजर सकते। अगर कोई माहिर चल के गुजरना भी चाहे तो हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में अल्लाह ने कलालीब लगाए हैं। कलालीब किसे कहते हैं? कलालीब पंजों को कहते हैं। आज के जमाने में समझना आसान हो गया, पुराने जमाने में समझना मुश्किल था, आज के जमाने में समझना आसान हो गया। जैसे जेसीबी का पंजा होता है ना, जेसीबी मशीन आती है नहीं, उसका पंजा क्या होता है? उसका पंजा ही होता है। तो ऐसे जहन्नम में अल्लाह ताला ने पंजे लगाए हैं, तो क्या हो गए? ये कोई संभल संभल के चलना चाहेगा तो ये पंजा पकड़ के खींच के नीचे गिरा देगा, कोई तो कट के गिर जाएगा, कोई जरा संभल के चले तो पंजा पकड़ के गिरा देगा। जो इधर से पार होकर उधर चला गया, जो इधर से पार होकर कहां चला गया? उधर जी, ये जो बीच में गढ़ा है उसके ऊपर पुल लगा है, वो पुल पार करके अगर उधर चला गया तो उधर क्या है? उधर जन्नत है। उधर क्या है? उधर जन्नत है जी। तो हमारा सफर कहां से शुरू हुआ? आलमे अरवाह से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? आलमे अरवाह से। आलमे अरवाह में कितने दिन थे? मालूम नहीं। आलमे अशिया में कितने दिन थे? मालूम नहीं। बाप के सुल्म में कितने दिन थे? मालूम नहीं। माँ के रहम में कितने दिन थे? 9 महीने हो सकता है, 9 महीने रहे। दुनिया में कितना रहे जी? कितना रहे?
जी जिस दिन तारीख वफात लिखेंगे उस दिन लोग बताएंगे ये 50 साल 55 साल 60 साल 70 साल दुनिया में रह के चले गए। फिर बरजख में कितना रहेंगे मालूम नहीं। हशर के मैदान एक दिन का, फिर जहन्नम पर से गुजर कर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो जन्नत में दाखिल होना है, सफर कहां तक करना है, कहां तक जाना है भाई? जाएंगे इंशाल्लाह। कौन कौन जाएंगे जरा बोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे, सब जाएंगे इंशाल्लाह। अकेले अकेले जाएंगे? हाँ जी, अपने साथ मजमा लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, जन्नत में जाना आसान थोड़ी है। जन्नत तो हमारे बाप का घर है। नहीं, अरे बोलो हाँ कि नहीं। जन्नत तो हमारे बाप का घर है, हाँ कि नहीं? हाँ नहीं, हाँ जन्नत तो हमारे बाप का घर है। अल्लाह ताला ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ठहरा दिया था। हजरत आदम से अल्लाह ताला ने फरमा दिया था, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, कि आदम तुम तुम्हारी बीवी दोनों मिलके जन्नत में रह जाओ। तो जन्नत क्या है? हमारे बाप का घर है। तो बाप का घर तो बेटे को मिलेगा ही मिलेगा ना, लेकिन सही वारिस को मिलेगा। तिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमुहा बिमा कुंतुम तअमलून, अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत के वारिस बनोगे, लेकिन उस वारिस बनने के लिए अपने आप को हजरत आदम का वारिस साबित करना पड़ेगा। कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट चाहिए कि तुम जन्नत में जी जाने के लिए हजरत आदम की वारिस होने का सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं हजरत आदम का ही बेटा हूं, शैतान की औलाद नहीं। क्या हूं? आदम की औलाद हूं, क्या नहीं हूं? शैतान की औलाद नहीं हूं। दुनिया में अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि आदम की औलाद भी बन सकते हो, बनी आदम भी बन सकते हो, बनी इबलीस भी बन सकते हो। क्या बन सकते हो? आदम की औलाद भी बन सकते हो, इबलीस की औलाद भी बन सकते हो। कुरान पाक की सबसे आखिरी आयत क्या है? मिनल जिन्नति वन्नास, कि इबलीस की औलाद जिन्नात में भी है, इंसानों में भी है। जिन्नात में भी इबलीस की औलाद है और इंसानों में भी इबलीस की औलाद है। तो जन्नत में जाना तो बनी आदम बनना। क्या बनना? आदम के बेटे बनना, तो वरासत मिलेगी। इबलीस के बेटे बन गए तो फख्र जिन्न का रजीम वन अलैक लानती इला यौमिद्दीन, निकल जाओ यहां से, तुम तो मर्दूद हो और तुम्हारे ऊपर यौमुद्दीन हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे ऊपर लानत है। जन्नत में हर चीज मुफ्त मिलती है, जन्नत में हर चीज मुफ्त मिलती है ना। जन्नत में मेहनत से मिलती है चीज मुफ्त मिलती है, बगैर मेहनत के मुफ्त मिलती है जी। लेकिन मुफ्त चीज मिले तो आदमी को कदर होना चाहिए। ना कदरा होगा तो मुफ्त चीज को क्या कर देगा? माले मुफ्त दिले बेरहम, क्या बोलते हैं? उर्दू का मुहावरा है, क्या बोलते हैं? माले मुफ्त दिले बेरहम। मुफ्त माल को क्या बन जाता है? आदमी का दिल जो है बेरहम बन जाता है। एक आदमी शादी में उसे जी 500 रुपए की शाल डाले कहते हैं, इन्हें मेहनत से 200 रुपए का जूता खरीदा। हम रास्ते में जा रहा था, बारिश पड़कर ये कीचड़ था तो उसके जूतों को कीचड़ लग गया। अब सास के घर में जाना तो क्या करना? अब जूतों को कीचड़ लगा हुआ है तो उसने जूते साफ करने के लिए शादी में शाल उड़ाना 500 रुपए की, वो 500 रुपए की जो शाल में जूते साफ करना शुरू कर दिया। हम अरे बेवकूफ, शाल 500 की, जूते 200 के क्या कर रहा है? तो बोले कि शाल मुफ्त की और जूते मेहनत के। शाल क्या है? मुफ्त की और जूते मेहनत के। तो जो चीज मेहनत की होती है वो कदर की होती है, जो चीज मुफ्त की होती है वो क्या होती है? ना कदरेपन के साथ में इंसान जाया कर देता है।
इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में हमको भेजा ताकि यहां जाकर चीजों की कदर मालूम करो, एक गिलास पानी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है मालूम करो कि एक गिलास पानी मुफ्त में नहीं मिलता, एक गिलास पानी के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत के बाद एक गिलास पानी मिलता है। एक वक्त की रोटी आसानी से नहीं मिलती, वक्त एक वक्त की रोटी के लिए कितने लोग मेहनत करते हैं तो तब एक वक्त की रोटी तैयार होकर तुम्हारे सामने आती है। बारिश पड़ने के बाद जमीन को नरम करना, हल चलाना, फिर उसमें दाना डालना, फिर उसकी देखभाल करना, फिर उस पर मेहनत करना, फिर वो जब अनाज तैयार हुआ उसको खेतों से काटना, फिर अनाज को अलग करना, फिर ले जाकर उसको तैयार करना, फिर लाके घर में उसको पकाना, इतना सब करने के बाद, इतनी मेहनत के बाद एक रोटी हाथ को आती है, एक निवाला हाथ को पहुंचता है। वो दुनिया में अल्लाह ने इसलिए भेजा ताकि जन्नत की नेमतों की कदर आ सके। दुनिया में किस लिए भेजा? ताकि जन्नत की नेमतों की कदर आ सके। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने छोटे छोटे किस्से बताकर बड़ी बड़ी नसीहतें करते हैं जी। किस्से सुना को क्या करते हैं? नसीहतें करते हैं जी। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने किस्सा लिखा है, फरमाते हैं कि एक आदमी को कर्ज हो गया, बहुत ज्यादा कर्ज हो गया, इतना कर्ज हो गया कि वो कर्ज में डूब गया। कर्ज खां जिन्होंने कर्ज दिया था वो मुतालबा करते थे, दिन में भी रात में भी सुबह भी शाम भी, इसकी जिंदगी मुसीबत बन गई, जीना मुश्किल हो गया। बाहर निकले कुछ कमाकर जिंदगी गुजारेंगे, बीवी बच्चों को खिलाएंगे, उसके लिए बाहर निकलना चाहे तो पूरे कर्ज खा क्या करते हैं, बाहर गिर लेते हैं। बाहर निकलेगा नहीं तो कुछ कमाएगा नहीं तो घर नहीं चलेगा, ये कर्ज नहीं अदा कर सकेगा। कर्ज खा बाहर जाने नहीं देते, अंदर चैन से रहने नहीं देते। घर के अंदर है बोले तो हर 5 मिनट के बाद एक आदमी खिटखिटा रहा है भाई कर्ज, तो अंदर रहना मुश्किल हो गया, बाहर जाना मुश्किल हो गया, मुसीबत हो गई जिंदगी, चैन उड़ गया, रात की नींद उड़ गई। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस आदमी को किसी ने सुनाया, क्या भाई सो गए मगरिब के बाद ही? उस आदमी को किसी ने बताया कि यहां से 500 मील दूर एक बस्ती है, यहां से 500 मील दूर एक बस्ती है, उस बस्ती में एक बड़े आदमी रहते हैं, बहुत बड़े मालदार हैं, बहुत दिलदार भी हैं। हमने सुना है कि उनके पास जाकर किसी ने भी अपना शिकवा, अपना टुकड़ा, अपनी परेशानी सुनाई तो उन्होंने किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजा, जो भी जाके उनको टुकड़ा सुनाता है तो वो उसकी मदद जरूर करते हैं। तो इनसे लोगों ने कहा, इस आदमी से लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करो, पहले से ही कर्ज है, और जरा कर्ज ले लो, और थोड़ा कर्ज लेकर क्या करो, जरा हिम्मत करके 500 किलोमीटर 500 मील का सफर करो, जाकर उनको अपना दुखड़ा सुनाओ, क्या मालूम वो तुम्हारी मदद कर दे, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। और हमने सुना है कि वो बहुत दिलदार आदमी है, आज तक किसी को खाली हाथ नहीं भेजा, वो सबकी मदद करते हैं, तुम्हारी भी परेशानी दूर हो जाएगी, थोड़ा सा हिम्मत करो। तो उसने बहुत सोचा, बहुत सोचकर उसे यही एक रास्ता समझ में आया, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कर्ज अदा करने का। तो उसने सोचा चलो भाई दुख पे दुम्बल, पहले से ही दुख है उसी पर क्या हो गया, दुम्बल हो गया तो तकलीफ बढ़ेगी लेकिन बर्दाश्त कर। तो उसने और थोड़ा कर्ज ले लिया, और जरा कर्ज लेकर उसने 500 मील का सफर शुरू किया, 100 मील, 200 मील, 300, 400, 450। जी अब जैसे जैसे नजदीक आ रहा वैसे वैसे इसकी उम्मीद बढ़ रही है, अब 2 दिन का सफर है, अब जाऊंगा सुनाऊंगा, मेरा सारा सर का बोझ हल्का हो जाएगा, एक दिन बाकी रहेगा तो और बहुत खुशी होगी। अब सिर्फ एक दिन का सफर था, रात आके एक जगह ठहरा, सुबह सुबह निकलकर जाना था, तो सुबह सुबह निकलकर वो उस बस्ती को पहुंचा।
बस्ती के अंदर दाखिल हुआ तो 9-10 बजे का वक्त था, तो 9-10 बजे के वक्त पर बस्ती के अंदर गया तो देखा कि बहुत सारे लोग कहीं जा रहे हैं, ये भी उनके साथ हो गए। लोगों से पूछा कहाँ जा रहे हैं आप सब, तो लोगों ने कहा कि हमारे गांव के एक बड़े आदमी का आज इंतकाल हो गया, तो हम सब उसके जनाजे में जा रहे हैं। कहा चलो भाई मैं भी जनाजे में आता हूँ। तो वो भी जनाजे में गया, नमाज जनाजा हुई, तदफीन हुई, लोग वापस गांव की तरफ आने लगे, तो ये भी लोगों के साथ गांव की तरफ वापस आया। गांव करीब आया तो उसने लोगों से पूछा कि जनाब मैं फुलां साहेब से मिलने के लिए आया हूँ, वो जरा मुझे ये बताओ कि फुलां साहेब का घर कहाँ है। इसने सवाल किया तो लोग उसको घूर के देखने लगे। पूछा भाई फुलां साहेब का घर बताओ, मैं घर का एड्रेस पूछ रहा हूँ तो आप मुझे घूर के क्यों देख रहे हो। तो लोगों ने कहा अभी नमाज जनाजा किसकी पड़ी है, अभी तदफीन करे ना, किसकी तदफीन हुई, जिनका नाम तुम पूछ रहे हो उनका ही कल रात इंतकाल हो गया, आज फजर की नमाज के बाद उनके गुस्ल देकर तैयार किए, ले जाकर नमाज जनाजा पढ़े, तुम भी तो जनाजे में थे, तुम भी तो तदफीन में थे, उन्हीं का तो कल रात इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, अब जरा सोचो कितनी बड़ी मुसीबत उसकी, पहले कर्ज था उस पर और कर्ज ले लिया इस उम्मीद से कि यहाँ आके मसला हल हो जाएगा, यहाँ आया तो पता चला कि आने से एक रात पहले उनका इंतकाल हो गया। उसका दिल दुख गया, अंदर से रंजीदा हो गया, ना गांव को वापस जा सकता, ना अजनबी मुल्क में रह सकता, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल, बहुत दिल को रंज हो गया। वो जाके बस्ती के किनारे एक मस्जिद थी, मस्जिद में जाके अल्लाह से दुआ करने लगा, रोने लगा, परवरदिगार अल्लाह तूने उनके मौत का फैसला ही किया था तो या तो मुझे एक रात पहले पहुंचा देता या कम से कम उनकी मौत को एक रात बाद रख देता। ये मैं आके टुकड़ा सुना था मेरी मुश्किल हल हो जाती, उसके बाद वो मर जाते तो न मुझे परेशानी न ये मुसीबत है। अल्लाह इतनी दूर से आया हूँ, अल्लाह कैसा हो गया। वो बहुत रोया अल्लाह के सामने। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि रोते 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 थक के सो गया। जब रोते 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 थक के सो गया तो कोई ख्वाब में आए फरिश्ता या कोई आतिफ गैबी उसके ख्वाब में आए, ख्वाब में आकर उसको सुनाया कि भाई तुम्हारा मसला हल है, परेशान मत होना। उसे कहा कि तुम्हारा मसला हल है, परेशान होने की जरूरत नहीं। उसने जल्दी से पूछा जल्दी बताओ क्या हल है मेरे परेशानी का। उसने कहा कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे मसले का कर्ज का सब हल है, मुझे क्या हल है बताओ। तो उस हातिफ गैबी ने उसे बताया कि तुम्हारा जो घर है ना जी बस्ती में, तुम्हारा जो घर है उस घर के फुलां कमरे के फुलां कोने में जी एक खजाना छुपा हुआ है, तुम जाकर उस खजाने को निकालोगे तो तुम्हारा कर्ज भी अदा हो जाएगा और पूरी जिंदगी तुम्हारे जिंदगी गुजारने का सामान भी हो जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा कि वो खजाना कहाँ है। कहा तुम्हारे घर में है। अच्छा मेरे घर के मेरे कमरे के फुलां कोने में खजाना है तो मुझे तो वहां रहते हुए बताना था ना, 500 किलोमीटर यहां भगा के लाके बता रहे हैं। अरे वहां बताते तो पछला चले जाता परेशान। वहां से कहा कि यहाँ 500 किलोमीटर भाग के आओ, यहाँ मुसीबत उठा के तकलीफ उठा के आए, यहाँ इतना रोया धोया इतनी परेशानी उठाई तो आप कहते हैं कि तुम्हारे घर के कोने में खजाना है, वो खजाना वहां रहते हुए बताते। तो उस फरिश्ते ने या हातिफ गैबी ने कहा कि अगर वहां रहते हुए बताते तो ये जैसा पैसा उड़ा के खर्च कर लिया ना वैसा ही वो भी पैसा उड़ा के जाया कर देते। इतनी दूर भगा के लाके अब तुम्हें सुनाया तो अब तुम्हें पाई पाई की खदर है, तुम्हें क्या है पाई पाई की तुम्हें खदर होगी। मौलाना रूमी फरमाते हैं ऐसे ही जन्नत बाप का घर है लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल कर दुनिया में भगाया,
दुनिया में मशक्कत यही बर्दाश्त करने के लिए कहा, खाने के लिए मेहनत करो, पानी के लिए मेहनत करो, कपड़े के लिए मेहनत करो, घर के लिए मेहनत करो, हर चीज के लिए मेहनत करो। तो अब जब अल्लाह वापस जन्नत देंगे, जन्नत की नेमतें देंगे, तो जन्नत की नेमतों की कदर होगी, वरना क्या करेगा, जन्नत की नेमतों को भी माले मुफ्त दिले बेरहम हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भेजा है ताकि वलकद खलकनल इंसान फी कबद, कि इंसान को हमने मशक्कत में पैदा किया है ताकि दुनिया की मशक्कत उठाए आखिरत की राहत की कदर पैदा करने के लिए। दुनिया की मशक्कत उठाए का क्या मतलब है? दुनिया की मशक्कत उठाए का ये मतलब नहीं है रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, माल जमाने के लिए, दौलत इकट्ठे करने के लिए, जायदादें बनाने के लिए, बैंक बैलेंस बनाने के लिए, इसके लिए मशक्कत उठाना नहीं है। अल्लाह ताला ने बता दिया कि दुनिया के लिए मशक्कत उठाओगे तो दुनिया के लिए जो मशक्कत उठाई जाएगी उसका तो कोई फायदा नहीं है। दुनिया के लिए मशक्कत उठाने का कोई फायदा नहीं है। मशक्कत राहत किसे मिलेगी? जो दीन के लिए मशक्कत उठाएगा, जो ईमान के लिए मशक्कत उठाएगा, आमाल के लिए मशक्कत उठाएगा, अल्लाह को राजी करने के लिए मशक्कत उठाएगा, जो दुनिया में दीन की मेहनत करते 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 थक जाएगा, उसी के लिए कब्र में लिटाने के बाद फरिश्ते उससे कहेंगे नम का नौमतिल अरूस, जो दुनिया में दीन का काम करते करते थक जाएगा उसके लिए फरिश्ते क्या कहेंगे, नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। जी, जो दुनिया में दीन की मेहनत करते करते थक जाएगा उससे फरिश्ते कहेंगे कि सो जाओ, कैसा, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। जी, पूरी जिंदगी पैसा कमाने के लिए मेहनत करते 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 थक के मर गया तो फरिश्ते उसे आके बोलेंगे कि ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, बहुत थक के आए हो। फरिश्ते जी हथौड़े उठा लेके आएंगे, जी हथौड़े उठा के लाके डाल के कहेंगे थक के आए हो, यहाँ और ज्यादा थको, जो करने के काम थे वो नहीं करे, जो करने के काम थे वो नहीं करे, कुछ और करके आए हो, तो यहाँ मुसीबत बढ़ जाएगी, यहाँ मुसीबत कम नहीं होगी बल्कि यहाँ मुसीबत बढ़ जाएगी। तो इसलिए जिंदगी अल्लाह ने क्यों दी है? हम समझते हैं अल्लाह ने जिंदगी दुनिया बनाने के लिए दी है। सारी दुनिया वाले क्या आवाज लगाते हैं? सारी दुनिया वाले आवाज लगाते हैं दुनिया में आए हो तो दुनिया बनाओ। सारी दुनिया वाले क्या आवाज लगाते हैं? दुनिया में आए हो तो दुनिया बनाओ, पैसा बनाओ, रुपया बनाओ, दौलत बनाओ, जायदादें बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, बड़े आदमी बन जाओ। दुनिया वाले समझाते हैं कि पैसा बनाओ। जी, अल्लाह ने समझाया कि कारून बहुत पैसे वाला था, इन कारून कान मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम, कारून हजरत मूसा की कौम का आदमी था, हजरत मूसा पर ही बगावत करती, उसके पास खजाने थे, खजाने दौलत के खजाने, उसके पास जो दौलत थी जिन कमरों में, कमरे के बड़े बड़े हालों में उसने जो सोना चांदी हीरे जवाहर रखे थे, उन कमरों की जो चाबियां थी वो चाबियां सैकड़ों ऊंटों के ऊपर डाल के ले जाता था। खाली चाबियां ऊंटों पर जाएं तो कमरे कितने रहेंगे, फिर उन कमरों में दौलत कितनी होगी, बेहिसाब दौलत, बेहिसाब दौलत। जी, कारून का खजाना, जी कारून का खजाना बोले तो किसके तो भी पास अचानक पैसे आ गए तो क्या बोलते हैं, हारून का खजाना मिल गया क्या कहते हैं, तो बेहिसाब दौलत थी, लेकिन उसकी दौलत उसके काम आई, उसकी दौलत उसके काम नहीं आई, जो उसकी दौलत ने उसको बगावत पर उभार दिया और वो दौलत बजाय उसके काम आने के उसके लिए और मुसीबत का सबब बन गई।
इसलिए इंसान पैसे से कामयाब नहीं होता है। दुनिया वाले जो हमको ये समझा रहे हैं कि दुनिया में आए हो तो दुनिया बनाओ, यह गलत बात है। अल्लाह और उसके रसूल पैगंबर दीन की मेहनत और दीन की इस तबलीग में दावत में समझाया जाता है कि दुनिया में आए हो तो आखिरत बनाओ। दुनिया में आए तो क्या करो, आखिरत बनाओ। कारून से अल्लाह ताला ने फरमाया वबतगी फीमा आताक अल्लाहु दारल आखिरा वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक वला तबगिल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन। अल्लाह ताला ने कारून को चार नसीहतें की, वो चार नसीहतें कारून को नहीं है, मुझे और आपको सबको वो नसीहतें हैं। अल्लाह ने सबसे कहा, क्या कहा, वब्तगी फीमा आताक अल्लाहु दारल आखिरा। अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा खुशहाल रखा है, तो ये जो जिंदगी है, जिंदगी आखिरत बनाने के लिए लगाओ, जवानी आखिरत बनाने के लिए लगाओ, ये सेहत आखिरत बनाने के लिए लगाओ, ये खुशहाली इसको आखिरत बनाने के लिए लगाओ। क्या खुशहाली की जगह पर क्या आ जाए, गम आ जाए तो भी आखिरत बनाओ, इसलिए कि परेशानियों से भी आखिरत बनती है, बीमारी आ जाए तो बीमारी से भी आखिरत बनाओ, जवानी की जगह बुढ़ापा आ जाए तो बुढ़ापे से भी आखिरत बनाओ। इस उम्मत पर सरकार, इस उम्मत पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मौलूदु मालम यबलुगुल इंसान, कि पैदा होने वाला बच्चा जब तक वो जवान ना हो जाए, लम तुब अलैही सय्यतुन, कि उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं लिखा जाता। उम्मत पर रसूलुल्लाह की वजह से एहसान है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी पैदाइश से लेकर जब तक वो 14-15 साल का नहीं हो जाता, उस वक्त तक उसके नामे आमाल में जी कोई गुनाह नहीं लिखा जाता। अल मौलूद मालम यबलुगुल हिंसा इज़ा अमिला सय्यतन लम तुक्तब अलैही वला अला वालिदैह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बच्चा बालिग जब तक न हो जाए उस वक्त तक कोई गलती कर दे, छोटे बच्चे भी झूठ बोलते हैं, बच्चा भी चोरी कर लेता है, बच्चा भी जुल्म करती, किसी को थप्पड़ मार दिया, घूंसा मार दिया, लुड़का के मार दिया, हम करता है ना, तो लेकिन वो गुनाह कर भी दे, गलती कर भी दे, ना उसके नामे आमाल में लिखा जाता, ना उसके माँ बाप के नामे आमाल में लिखा जाएगा। वैजा अमिला हसनतन तुक्तब दिवालिदे ही, फरमाते हैं कि जब वो नेकी करेगा तो नेकी माँ बाप के नामे आमाल में लिखी जाएगी, नेकी माँ बाप के नामे आमाल में लिखी जाएगी। सच बोला, सच बोलना माँ बाप ने सिखाया, इसलिए माँ बाप के नामे आमाल में लिखी जाएगी। बच्चे ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ना माँ बाप ने सिखाया, इसलिए माँ बाप के नामे आमाल में लिखा जाएगा। अच्छा काम किया, किसी की मदद की, कुछ खैरात किया, सब माँ बाप के नामे आमाल में लिखा जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वैदा बलग अल हिंस, जब वो बालिग हो जाएगा तो अमर अल मलकानी अय्याफा व युशद्दिदा अलैह, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे, किरामन कातिबीन से कहेंगे कि अब इसका एक एक अमल लिखो। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीर, जुबान से निकलने वाले बोल लिखो। यालमु ख़ाइनतल आयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर, इसकी निगाह जो इधर से उधर जी बाजू वाले को पता नहीं चलता, और निगाह जो खियानत करके आ जाती है उसको भी लिखो। ये कानों से जो सुन रहा है, दिमाग में जो सोच रहा है, मन हम्मा बिसय्यतिन, के गुनाह के करने का पक्का इरादा कर लिया, तो वो भी लिखो, के लिखो और पूरी पूरी सख्ती के साथ में लिखो। तो बालिग होने के बाद से गुनाह नेकियां लिखी जाएंगी,
आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा बलगल मरअ अरबईन सनतन, जब मुसलमान इस्लाम में 40 साल की उम्र गुजार लेता है और 40 साल उसकी उम्र हो जाए तो अल्लाह जल्ल शानहु हफिज़हुल्लाहु मिनल बलाया सलास, अल्लाह ताला उसको 3 बलाओं से महफूज रखेंगे। इस्लाम के साथ में 40 साल उम्र हो जाए तो दीवाना नहीं होगा, जुजाम की बीमारी नहीं आएगी, बरस बदन के सफेद होने का मरज नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 3 बीमारियों से अल्लाह बचा लेंगे। फिर 40 के बाद 50 को पार कर लिया, 50 क्रॉस कर लिया, 50 पार कर दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खफ्फफल्लाहु अलैहि हिसाबहु, अल्लाह उसके हिसाब में तख़फीफ कर देंगे, यानी तख़फीफ के माने डिस्काउंट कर देंगे कि हिसाब में अल्लाह की तरफ से आसानी हो जाएगी। फिर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैदा बलगा 60, जब वो 60 को पहुंच जाएगा तो रज़क़हुल्लाहुल इनाबत, अल्लाह उसको इनाबत दे देंगे। इनाबत का मतलब उसके दिल में नरमी पैदा कर देंगे। इसीलिए दुनिया में देखते हैं रिटायर्ड लाइफ लोगों की अच्छी गुजरती है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली जाती है। 60 के बाद जिंदगी बदल जाती है, अल्लाह ताला उसको इनाबत की तौफीक दे देते हैं जी। और आगे फरमाया वइज़ा बलगत 70, जब 70 को पहुंचता है अहब्बहु अहलुस समा, आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। वइज़ा बलगत 80, जब 80 साल हो जाती है जी, कतबल्लाहु हसनातिही वतजावज अन सय्यातिही, उसकी नेकियां लिखी जाएंगी, गुनाह नहीं लिखे जाएंगे, गुनाह माफ। और फिर आगे फरमाया वइज़ा बलगत 90, जब 90 साल इस्लाम के साथ में 90 साल की उम्र अगर पाले तो अल्लाह जल्ल जलाल मन वालो फरमाते हैं कि जवानी में सेहत में जो अच्छे आमाल करते थे वो सब के सब लिखे जाएंगे। बुढ़ापे की वजह से नहीं कर रहा है तो भी वो आमाल लिखे जाएंगे। गश करते थे, मेहनत करते थे, 3 दिन जाते थे, चिल्ला जाते थे, 4 महीने जाते थे, नहीं तिलावत करते थे, तस्बीह करते थे, बाजमात नमाज पढ़ते थे, अब वो सब नहीं हो रहा है तो भी लिखा जाएगा। और जितने गुनाह जवानी से लेकर अब तक किए वो सारे के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और आगे फरमाया अल्लाह जल्ल शानहु उसके गले में एक दी हार डाल देंगे, या ये कि उसके ऊपर अल्लाह जल्ल शानहु लिख देंगे असीरुल्लाह फिल अर्द, ये जमीन में अल्लाह का कैदी है। ये है तो अल्लाह का लेकिन जमीन में अल्लाह ने इसको कैद करके रखा है। ये सब शराफतें हैं, इज्जतें हैं, किस पर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने पर ये सब इज्जतें और शराफतें मिल रही हैं। फिर हदीस में ये भी आता है 60 में, 70 में, 80 में, 90 में जी नेक अमल करने वाला अच्छे काम करते करते चाहे जिस उम्र में दुनिया से चले जाए तो जब वो मर जाएगा तो उसके फरिश्ते तो जिंदा रहेंगे, फरिश्तों को तो मौत नहीं आएगी, फरिश्ते तो जिंदा रहेंगे, वो फरिश्ते अल्लाह के पास जाएंगे। जब मोमिन मर जाता है तो मोमिन के मर जाने के बाद फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं, फरिश्ते अल्लाह के पास जाकर अल्लाह से पूछते हैं कि परवरदिगार जिनका हिसाब किताब लिखने के लिए आपने हमें भेजा था वो तो चले गए, वो तो चले गए, अब हम क्या करें जी? उनको दूसरे आदमी के पीछे नहीं लगाते हैं, अल्लाह के पास फरिश्तों की कमी थोड़ी है, अरे अरे नया आ गया, उसका पोत्र आ गया, उसके पीछे लग जाऊं, ऐसा नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे भाई आसमान, आसमान तो नेकी करने वाले फरिश्तों से भरा हुआ है, तुम आसमान में क्या करोगे? ऐसा करो जाओ उसकी कब्र में जाके बैठ के तस्बीह पढ़ो, जो तस्बीह तुम पढ़ो उसका सवाब उसके नाम आमाल में लिखते रहना, तस्बीह तुम पढ़ना सवाब उसको लिखते रहना कयामत तक, इसराफील के सूर फूंकने तक।
ये सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हैं जो अल्लाह ताला दे रहे हैं। तो जिंदगी इसके लिए नहीं है कि दो रोटी कमाने के पीछे पूरी जिंदगी लगा दी जाए। ये क्या करके आए भाई, क्या करके आए? 9 बजे से लेकर 9 बजे तक दुकान खोलते थे। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, शादी हो मैयत हो, 9 से पहले जी 9 हो गए दुकान नहीं खुला, ऐसा कभी आपने नहीं देखा। 9 हो गए दुकान बंद नहीं हुआ, उससे पहले बंद हो गया, ऐसा नहीं हुआ। 9 को खोलते 9 को बंद होते, बंद करते 50 साल 9 को 9 करके आ गए। ये जिंदगी अल्लाह ने इसके लिए नहीं दी है, ये जिंदगी थकाने के लिए दी है। किसके पीछे थकाओ? अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए थकाओ, अल्लाह के दीन का काम करो, दीन के लिए जान लगाओ, माल लगाओ, अपना सब कुछ लगाओ, ताकि दीन की मेहनत करते करते थक जाओ। घर वाले बोले कि जरा आराम करे तो अच्छा है, घर वाले बोले जी, अतराफ वाले मशवरे वाले बोले, करीब वाले दूर वाले बोले, हजरत बहुत थक गए जरा आराम करे तो अच्छा है, तो तब अल्लाह बोला कि आराम में लगाते हैं। तो इसके लिए जिंदगी अल्लाह ने दुनिया बनाने के लिए नहीं दी कि हम दुनिया बना रहे हैं, माल बनाओ, पैसा बनाओ, कारून का सारे का सारा उसके काम नहीं आया, तो उसके काम नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वबतगी फीमा आताक अल्लाह दारल आखिरा। अल्लाह ने जिंदगी दी, जिंदगी से आखिरत बनाओ, जवानी दी, जवानी से आखिरत बनाओ जी, सेहत दी, सेहत से आखिरत बनाओ जी, खुशहाल रखा, खुशहाली से आखिरत बनाओ जी, जिंदगी ऐसी गुजारो कि इबरत, मौत भी तुम्हारी इबरत का सामान बन जाए। कि हंसते जी तुम आए तो सारे रिश्तेदार हंस रहे थे, तुम रो रहे थे, दुनिया से जाओ तो इस हाल में जाओ कि सब सब रो रहे हो और तुम मुस्कुराते दुनिया से चले जाओ, ये तुम हंसते हंसते दुनिया से चले जाओ, कि जिंदगी ऐसी गुजारो। फरमा कमा तहियो न तमो, तुम जैसे जियोगे वैसे मरोगे, और कमा तमो तुन वो तो शरो न कमा तमो तुन, जैसे मरोगे वैसे उठोगे जी। काली गई, काली गई 15,000 की, गोरी गई 20,000 की। एक आदमी बोलता था, कहते काली गई 10,000 की, गोरी गई 20,000 की, यही उसका जुमला था, बोलते 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 चला गया। मौत के वक्त पर आखिरी जुमले भी क्या थे? काली गई गोरी गई, काली गई गोरी गई, बोलते बोलते चला गया। तो उठेगा कैसे? कि कमा तमो तुन तो शरु न कमा तमो तुन, ये जैसे जाओगे दुनिया से वैसे ही उठोगे। तो दुनिया कमाने के लिए नहीं दी है, कि दुनिया कमाने के लिए नहीं दी। इंसान चाहे जितना कमा ले, जब दुनिया से जाएगा तो खाली हाथ जाएगा, अपने साथ कुछ लेके नहीं जा सकता। ले जाना चाहे तो पीछे वाले ले जाने देंगे, ले जाना चाहे तो पीछे वाले ले जाने नहीं देते। अभी ये जो हालात गुजरे कोरोना के, इन हालात में ये समझ में आ गया कि ले जाना तो दूर की बात, अपने पैसे का कफन भी नहीं मिला, अस्पताल की प्लास्टिक में चले गए। अस्पताल वालों ने जो प्लास्टिक लपेटी थी वही प्लास्टिक में चले गए, कफन भी नहीं दे सके, कफन देने के लिए कोई नहीं आया नजदीक। बाप की जनाजा बेटा नहीं पढ़ा, बेटे की जनाजा बाप नहीं पढ़ा, बेसहारा, बेसहारगी की मौत, बेयारो मददगार मौत। यानी दुनिया बनाने से काम नहीं बनता है, ना खुद ले जा सकता ना साथ पीछे कोई ले जाने देता। हमारे बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं मेरी खाला का इंतकाल हुआ तो मेरे खाला के इंतकाल के बाद दूसरी जो खालाएं थी उन्होंने जल्दी 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 कान की बालियां निकाल ली, नाक का तारा निकाल लिया, अंगूठियां निकाल ली, हाथ के कंगन बंगड़ियां निकाल लिए, सब निकाल जल्दी जल्दी। अभी इंतकाल हुआ फौरन फौरन निकल, मुझे देख के बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा ये क्या इतनी जल्दी जल्दी निकाल रहे, जरा को छोड़ो आराम से,
इतना जल्दी निकालने की क्या जरूरत है, थोड़ी देर छोड़ा आराम से। तो वो दूसरी खालाएं बोली, बेटे अभी तुझे समझ नहीं है, तुझे पता नहीं है, ये इंतकाल हुआ है, ये 5-7 मिनट में बदन फूलना शुरू होगा। जब बदन फूलने लगेगा तो अंगूठी निकलेगी नहीं, तोड़ के निकालना पड़ेगा। ये बंगड़ी निकलेगी नहीं, तोड़ के निकालना पड़ेगा। ये नाक का तारा निकलेगा नहीं, छोड़ देना पड़ेगा। ये कान की बालियां निकले, इसलिए जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। ये मरने के बाद तो ये करना चाहिए था कि जिंदगी भर अरमान था बहुत पहनने का, जिंदगी में ना हो सका, ना हो सका, कम से कम मरने के बाद हार गले में डाल के भर के तो भेजते हैं। थोड़ी देर के लिए अरमान पूर्ण करने के लिए कंगन डाल देते हैं, हर उंगली, हर उंगली में एक एक अंगूठी पहना देते, ऐसा तो करना था नहीं, बल्कि उल्टा क्या कर रहे हैं, जो है वो भी निकाल रहे। ये खुद तो नहीं ले जा सकता, पीछे वाले ले जाने भी नहीं देते, और लेके चला भी गया तो वहां काम नहीं आता, जहां जा रहा वहां काम नहीं आता। हम दुनिया में देखते हैं कि मुल्क बदलता है तो पैसे की वैल्यू बदल जाती है, करेंसी की वैल्यू बदल जाती है। हिंदुस्तान का 1 लाख रुपया लेकर मक्का मदीना को, उमरे को, हज को जाए, 1 लाख रुपये ले जाकर उनको दिए तो उन्होंने कितने देते हैं, 20,000 रुपये देते हैं जी। हमारा एक जी, हमारे 20 रुपये, उनका 1 रुपया, तो 1 लाख दिए तो कितने देते हैं, 20,000 देते हैं जी। कहाँ 1 लाख, कितना, 5,000 देते हैं। हमें 1 लाख दिए तो उन्होंने कितने देते हैं, 5,000 रियाल। कहाँ से कहाँ हो गया फर्क, 1 लाख कहाँ है, 5,000 कहाँ है जी, है ना। 20,000 रुपये दिए तो 1,000 देते हैं, 1 लाख दिए तो 5,000 देते हैं, बराबर है ऐसा। 1 लाख रुपये कितने दिखते हैं, 5,000 कितने दिखते हैं। वही 1 लाख रुपया लेकर अमेरिका को चले जाओ तो अमेरिका वाले कितने देंगे, 70,000 रुपये दिए तो उन्हें 1,000 रुपये देते हैं, तो मुश्किल से 1,500, 1 लाख का 1,500 का। वही कुवैत को चले जाओ, बहरीन को चले जाओ, वहां जाके दिए तो उनके 200 रुपये हमारे 200 रुपये, उनका 1 रुपया जी। 500 रुपये की नोट देखो भगा डालते जी, क्या करते हैं, 500 रुपये देखो, 1 लाख, 1 लाख देखो, 500 ले लेकर ऊपर नीचे देख ले करता है। ये मुल्क बदलता है तो क्या बदल जाता है, वैल्यू बदल जाती है। तो वो तो आलम बदल रहा है, दुनिया के आलम से आखिरत का आलम, तो इस दुनिया से उधर चला गया तो क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया लेकर, तुम्हारे पास जो दौलत है वो नहीं, पूरी दुनिया लेकर आ जाओगे तो भी हमारे पास पूरी दुनिया की दौलत का ये हमारे पास क्या वैल्यू है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानत दुनिया ताअदिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका मिन्हा काफिरन शरबत मा। पूरी दुनिया, दुनिया की दौलत लेके आओ तो हमारे पास वो मच्छर के पर के भी बराबर नहीं है। तो किस पे लगा दी जिंदगी। अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं, वब्तगी फीमा आताक अल्लाह दारल आखिरा, कि दी हुई अल्लाह की जिंदगी से आखिरत बना लो, और वला तनसा नसीब का मिनत दुनिया, दुनिया से जाते हुए तोशा साथ ले जाना मत भूल जाना। स्कूल को जाते हुए तोशा ले जाते ना, दुकान को जाते हुए तोशा लेके जाते हैं, स्कूल जाते हुए तोशा ले जाना भूल गया, स्कूल जाते हुए तोशा ले जाना भूल गया तो क्या करते, बड़ा भाई की, बाबा की, कौन की ले जाकर स्कूल तक पहुंचा क्या जाते हैं, बच्चा तोशा भूल गया था। बड़ा आदमी भूल के चले जाए तो किसी न किसी के हाथ से पहुंचा देते हैं, अरे यजमान क्या कर दिए, तोशा भूल के चले गए, तो किसी के हाथ से भेज देते हैं। दुनिया से आखिरत की तरफ जाते हुए अगर इंसान ईमान का और नेक अमल का तोशा भूल के चले जाए, दुनिया से आखिरत की तरफ जाते हुए अगर कोई तोशा भूल के चले जाए तो अब वो तोशा पहुंचाना तो पहुंचाने वाला खबर में आना, पहुंचाने वाला कहा ना, खबर में आना, तो बाबा को भेज डाल को, बेटा पीछे खबर में आने तैयार है,
पूछेंगे कौन कौन से बेटे तैयार हैं, बोलो अभी वाह के बाद पीछे कब्र में जाने, कोई तैयार नहीं। तो हम भूल के चले जाएं तो पीछे वाला कोई लाके तोशा हमें नहीं पहुंचाएगा। इसलिए अल्लाह जल्ले शानो कुरान पाक में फरमाते हैं, वला तंसा नसीबका मिन दुनिया, दुनिया से जाते हुए अपना तोशा अपने साथ ले जाना, मत भूल जाना कि ये तोशा तुम्हारे काम आएगा। वहां तोशे के बगैर चले गए, ईमान के तोशे, अमल के तोशे के बगैर चले गए तो वहां बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए अपना तोशा अपने साथ लेके जाना, अपना तोशा अपने साथ लेके जाना। एक बुजुर्ग ने एक लतीफा सुनाया, फरमाया कि तीन नौजवान थे, वो किसी बिजनेस के लिए, अपनी तिजारत के लिए बाहर मुल्क गए। बाहर मुल्क में जाके उन्होंने होटल में कमरा लिया। बाहर मुल्क में जो है होटल बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं, और लोग क्या करते हैं, ऊपर की जो ऊंचे ऊपर की जो फ्लोर रहते हैं उसमें जाके रहना पसंद करते हैं। क्यों जी? ऊपर से देखे तो पूरा शहर दिखता है, उसकी पूरी रौनक नजर आती है। तो वो जाके होटल में उन्होंने कमरा बुक किया तो उनको 60वीं मंजिल, 60th फ्लोर जी, 60वें माले पर रूम मिला। तो गए, लिफ्ट था, आराम से गए जाके जी, थके मांदे थे, सो गए। दूसरे दिन सुबह को उठे, उठकर जो है नहाए धोए तैयार हुए, बिजनेस का कुछ काम था, तिजारत का कुछ काम था, तो आए शहर में चले गए। आमतौर से होटल में रहने वाले बाहर जाते हुए क्या करते हैं, रिसेप्शन, वहाँ ऑफिस रहती है, रिसेप्शन में किली दे के चले आते, शाम को आके किली लेते। तो ये लोग चले गए अपना काम करने के लिए, दिन भर मेहनत करके थके मांदे रात को वापस आए। जब रात को वापस आए, आकर रिसेप्शन वाले से पूछा कि भाई चाबी दो हमारी, हमें जाना ऊपर। तो उसने चाबी टेबल पे रखी, रख के कहा आज जरा आपको तकलीफ होगी। उन्होंने पूछा क्या तकलीफ होगी? तो रिसेप्शन वाले ने कहा कि आज हमारी लिफ्ट खराब है, आपको चल के जाना पड़ेगा। आज हमारी लिफ्ट खराब है, क्या करना पड़ेगा? कहाँ? 60 मंजिल। अब इनको सुनते ही सर चकरा गया, 60 मंजिल कैसे चढ़ेंगे? अब यहाँ बैठ के भी तो रात नहीं गुजार सकते। चला कहा चलो भी जरा थकेंगे, लेकिन जाके कमरे में सो गए तो आराम रहेगा, यहाँ बैठ के कौन इंतजार करता है? पता नहीं लिफ्ट कब अच्छी होगी, रात को अच्छी होगी कि सुबह को अच्छी होगी, तो जाना, चलो चले जाएंगे। तो तीनों आदमियों ने कहा कि अब ऐसे ही तो नहीं चढ़ सकते, जरा कुछ बातें करते करते चढ़ेंगे। तो एक आदमी ने कहा तुम कुछ बोलो। तो उसने कुछ चुटकुले सुनाए, कुछ लतीफे सुनाए, कुछ जोक सुनाए, हंसते हंसाते जी मुस्कुराते चल चढ़ते रहे, चढ़ते रहे, यहाँ तक के 20 मंजिल चढ़ गए। अब 20 मंजिल के बाद उसने कहा मेरे पास जितना था वो तो खाली होगा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, चुटकुले सब खत्म हो गए। तो दूसरे ने कहा ठीक है मैं सुनाता हूँ। तो उसने कुछ सुनाना शुरू किया जी, इश्क के माशफे के किस्से सुनाया, मोहब्बत के ये वो सुनाते सुनाते, और एक 20 मंजिल चढ़ गए। अब 20 मंजिल के बाद उसने कहा मेरे के पास भी पूरे किस्से खत्म हो गए। तो इसने कहा चलो मैं सुनाता हूँ। तो वो तीसरे ने कुछ रोने के, धोने के, परेशानी के, मुसीबत के, इधर के उधर के किस्से सुनाए जी। तो चढ़ते 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 60 मंजिल पहुंच गए। 60वीं मंजिल पर पहुंचकर ठंडी सांस लिए, लेकर जाकर कमरे के सामने खड़े, बोले भाई किली दो। तीन जने भी जेब देख रहे हैं जी, किली तो मेरे पास नहीं है जी, तुम्हारे मेरे पास भी नहीं है, किली क्या हुई? अरे किली तो उन्हें टेबल पर रखा था, किली उठाए बगैर चढ़ गए। क्या कर दिया? कीली उठाए बगैर चढ़ गए। अब 60 मंजिल कीली लिए बगैर चढ़ गए तो फिर नीचे उतरना आसान है? तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिंदगी की भी 60 मंजिलें हैं जी। बचपन के हंसते खेलते 20 गुजर जाती हैं, जवानी के इश्क मोहब्बत में 20 गुजर जाते हैं, 40 के बाद बच्चा के बीवी के हिस्सों में रोते धोते और 20 गुजर जाते हैं, लेकिन गुजर कर 60वीं मंजिल पर पहुंचते वक्त पर कीली नीचे छोड़ गई तो वापस कौन जाना?
इसलिए अल्लाह ने फरमाया वला तंसा नसीबा का मिन दुनिया, दुनिया से जाते हुए अपना तोशा कीली भूल को नहीं छिलिया। जन्नत की चाबी दुनिया में भूल के चले जाएंगे तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा कैसे? तो जन्नत की चाबी अपने साथ खबर में लेके जाना, हशर में लेके जाना। वो जन्नत की चाबी मिलेगी कैसे? वो जन्नत की चाबी मिलेगी, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। ये जन्नत की चाबी हो ना तो जान माल अल्लाह को देना। अरे हो ना, सबसे शुरू में बोले ना कौन कौन जाती जन्नत को, तो क्या बोले जी? अरे कौन कौन जन्नत को जाते हैं बोलकर शुरू में पूछे ना, जन्नत बाबा का घर है, कौन कौन जाते हैं तो क्या बोले? सब जने जाते हैं बोले ना। तो जन्नत की चाबी लेने के लिए क्या करना? जान माल अल्लाह के लिए देना। ये जान माल अल्लाह के लिए लगाओ। आसिन कमा आसन अल्लाह इलैक, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, तुम भी लोगों पर एहसान करो। अल्लाह ने तुमको ईमान दिया, अल्लाह ने तुमको नेकी की तौफीक दी, अल्लाह ने तुम्हें नमाज पढ़ने की तौफीक दी, खैर खैरात करने की तौफीक दी, अल्लाह ने तुम्हें कुरान पढ़ने की तौफीक दी, तो लोगों में भी चल फिर कर मेहनत करो कि वो भी नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, उनको भी अल्लाह का डर दिल में आ जाए, उनकी भी जिंदगियां अच्छी हो जाए। वाहसिन कमा आहसन अल्लाह इलैक, अल्लाह ने जैसे तुम्हारे साथ एहसान किया तुम भी तो लोगों के साथ एहसान करो। एक है माल का एहसान, ये बेवा को साथ दिया, यतीम को साथ दिया, बेसहारा को सहारा दिया, परेशान हाल की मदद की, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन उससे बड़ी नेकी है जिसकी जिंदगी में नेक अमल नहीं उसको नेक अमल के रास्ते पर डाल दिया। जिसकी जिंदगी में नेक अमल नहीं उसको नेक अमल के रास्ते पर डाल दिया। ये बुजुर्ग हजरात फरमाते थे एक बाप के तीन बच्चे थे, एक बाप के तीन बच्चे, एक बच्चा गुम गया, एक बच्चा गुम हो गया, एक बच्चा गुम हो गया, एक बच्चा। अब बाप हमेशा रो रहा है, बेटा मेरा बच्चा कहां चले गया, मेरा बच्चा कहां चले गया, रो रहा है, तड़प रहा है, बच्चे को याद कर रहा है। हाँ, तो एक बेटा क्या करता है, उसे वक्त पर खाना खिलाता है, वक्त पर उसे पानी पिलाता है, वक्त पर उसे दवा का फिक्र करता है, उसे राहत, बाप को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एक बेटा बाहर निकल गया फिरने जी, बच्चे को तलाश करने, वो इधर उधर धक्के खाया, इधर उधर फिरा, मेहनत किया जी, पूरा चक्कर लगाया, चक्कर लगाकर बहुत मेहनत के बाद उसका भाई मिला, तो बेटे को, बाप के बेटे को, उसके भाई को पकड़ के बाबा के पास लेकर आया। तब सवाल ये है कि बाप जो रोजाना इसकी राहत का फिक्र करता था उससे ज्यादा खुश होगा या गुमशुदा बेटे को वापस लाने वाले से ज्यादा खुश होगा? जी किससे खुश होगा? वापस जो बेटा, गुमशुदा बेटे को जो वापस लेके आया उससे ज्यादा खुश होगा। ऐसे जी मस्जिद में से 90% मुसलमान गुम हो गए। हाँ, आम नमाजों में से मस्जिद में से कितने कितने गुम हो गए? हर ईद को क्या करना पड़ता है? मस्जिद में तलाशे गुमशुदाओं को लगाना पड़ता है। अरे रमजान की ईद को क्या लगाना? तलाश गुमशुदाओं को लगाना। ये पूरी मस्जिद हमारी भरको थी, अचानक क्या हुआ पता नहीं, पूरे के पूरे गम गई। शबे कदर को आए थे, अभी कल ही शबे कदर को आए थे पूरे। शबे कदर क्या बोलती? अरे 27वीं को आए थे ना पूरे, 27वीं को आए थे, ईद के दिन सुबह को भी नजर आए। अब ईद की नमाज पढ़ को कहां गए कि मिल रही नहीं आपको? अब ये पूरे गुम हो गए, 95%, 95% गुम हो गए। मुश्किल से जुम्मा को आठ को जुम्मा को क्या दिखती? एक 40-45% आंख और सूरत दिखा भाग जाती। तो कोई बच्चा ऐसा है जो मेहनत करके वो गुमशुदा बच्चों को वापस, अल्लाह के गुमशुदा बंदों को वापस मस्जिद को लेके आ जाए तो अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसलिए बुजुर्गो जी, हमें हमारी जिम्मेदारी दीन की मेहनत की है। तबलीग वालों की मिसाल
तबलीग वालों की मिसाल फायर इंजन की तरह से है। तबलीग वालों की मिसाल कैसी? फायर इंजन वालों की तरह से। जी किसी मोहल्ले में आग लग गई तो किसे याद करते हैं? अरे मोहल्ले में आग लगी तो किसे याद करते हैं? फायर इंजन वालों को याद करते हैं। मोहल्ले में आग लग गई तो फायर इंजन वालों को ऑफिस को फोन किया। जी ऑफिस में एक साहब फोन उठाए, फोन उठाकर उन्होंने क्या बोले, ऑफिस का जो आदमी था ना उन्हें फोन उठाकर बोले, इन्होंने इधर से बोले हमारे मोहल्ले में आग लग गई जरा जल्दी आओ बोले। तो उन्होंने जो फोन उठाया उन्हें बोले जरा माफ करना हमारे स्टाफ की शादी है आज तो नहीं आ सकते, सवा सुबह ही आ जाती है। जी सवा सुबह ही आए तो चलता है? अरे बोलो नहीं चलता। क्या करते हैं बोलो मोहल्ले के लोग? महल्ले के लोग क्या करते हैं, जरिए अंगार लेको पहले सीधा ऑफिस को चले जाते हैं। हमें जलती की नहीं जलते की, तुम्हें क्या हो जाओ पहले। तो जैसे फायर इंजन वाला ये नहीं बोल सकता कि मैं कल आ सकता हूं, वैसे तबलीग वालों का भी काम फायर इंजन वालों की तरह से है कि वो आग बुझाना, और हमारा काम बेदीनी की आग बुझाना। जी बेदीनी की आग बुझाना है। जी बेदीनी की आग बुझाना है। बेदीनी की आग आज से 25-30 साल पहले, 25 साल 30 साल पहले, जी 20-25 साल पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों के ऊपर अल्मोनियम का झंडा होता था। अरे घर घर के ऊपर अल्मोनियम का झंडा रहता था, देख कहीं याद नहीं भूल गए, यादिश नहीं ना भी कैसे नेक लोग आई यहां सभी बीजापुर में, हाँ देखेश नहीं सिर जिनसे चुका ले चलती सो। अरे घर के ऊपर अल्मोनियम का झंडा रहता था देखे, याद है? अच्छा उस जमाने में, जिस जमाने में घर घर के ऊपर एल्यूमिनियम का झंडा होता था उस जमाने में बुजुर्गाने दीन कहते थे एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, एक उल्लू पूरी बस्ती बर्बाद कर देता है, ये घर घर के ऊपर एक एक उल्लू बैठा है तो आखिर क्या हाल होगा। 10-12 साल गुजरे नहीं कि क्या हुआ, ये वो जो घरों के ऊपर झंडा होता था उसकी जगह पर हर जेब में अंगार डब्बा आ गया। जेब जेब में क्या आ गया? अंगार डब्बा। पूरी दुनिया को आग लगा सकते हैं। कैसा अंगार का डब्बा? अरे है नहीं तुम्हारे जेब में, देखो है अंगार डब्बा नहीं है, है माशाल्लाह। तो पूरी दुनिया को आग लगा सकते हैं ऐसा अंगार का डब्बा है। अभी जो लॉकडाउन आया ना, तो लॉकडाउन में क्या हुआ, घर के बच्चे कहां बाहर जाकर बीमार हो जाती की, बाहर से बीमारी लेकर कहां घर में आ जाती की, ये सोच को हर बच्चे के हाथ में मोबाइल देखो कोने में बिठा दिया। हुआ नहीं हुआ? अरे बोलो हुआ नहीं हुआ? घरों में हुआ। हाँ पहले घर में होता था, फिर आदमी के पास बड़ों के पास आया, अब बच्चे बच्चे के पास आ गए। पहले घर को आग लगी थी, फिर बड़ों को आग लगी थी, अब छोटे बड़े सबको आग लग गई। तबलीग वालों से बोल रही है जरा अंगार बुझाओ, तो तबलीग वाले क्या बोल रही है, सभा सुबह ही आती करें। चलेगा क्या भाई? नहीं चलेगा जी, हालात बहुत खराब हैं, दीन की मेहनत की बहुत सख्त जरूरत है, और हमारे जान बचाने का मौका नहीं है, हमारे जान माल लगाने का मौका है। तो हमें जान माल लगाना है, जान बचाना नहीं है। बोलो जान बचाना है, जान माल लगाना है? लगाएंगे इंशाल्लाह। जरा हिम्मत करके पूरे खड़े हो जाओ, इंशाल्लाह सब मिलकर जान माल लगाएंगे, अल्लाह के दीन का काम करेंगे। जरा खड़े हो जाओ, देखेंगे इंशाल्लाह खड़े हो जाओ माशाल्लाह। अरे हिम्मत करके खड़े हो जाओ, एक बार पूरे मिलके खड़े हो जाओ, जरा देखो कोई खड़े के नहीं खड़े, खड़े खड़े। हाँ बुजुर्गों को छोड़ डालो, हाँ खड़े क्या भाई, जरे जिन्हें को लिफ्ट दिया क्या वो नहीं, वो ये लाना पड़ता ना, क्या ग्रेन ग्रेन लाना पड़ता है।